हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे और बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे अपने एग्ज़ाम्स की। आइए, आज इस वीडियो में हम फ्लेमिंगो क्लास 12th की टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 1 द लास्ट लेसन का लॉन्ग क्वेश्चन लिखा रहे हैं। और ये क्वेश्चन में सबसे अच्छी बात यह है कि आप कई क्वेश्चन के आंसर केवल इस आंसर से दे सकते हैं। जैसे आपने सुना नहीं, एक बाम तीन काम, हर मर्ज का एक ही इलाज, या हर सवाल का एक ही जवाब। तो जैसे अगर इस कहानी में आपसे पूछा जाए कि इस कहानी की समरी क्या, मैंने समरी के नाम से लिखाया है। अगर इसमें पूछा जाए मिस्टर हैमिल ने उस कॉलेज में अपना लास्ट डे कैसे फील किया, तो भी यही आंसर मिलेगा। अगर आपसे पूछा जाए फ्रांस कौन था और लास्ट डे कहानी में क्या हुआ, तो भी यही आंसर आप लिख सकते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए इस कहानी में आपको क्या मिला, या इस कहानी में राइटर हमें क्या बताना चाहता है, तो भी आप यही आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आइए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका। सीधे मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी लिख रखा है, आपका टाइम बचाने की केवल डिस्क्राइब करना है। और आप इसको एक स्क्रीनशॉट लेकर इसको आप नोट कर सकते हैं अगर लिखने में दिक्कत आए। आइए, मैं इसे डिस्क्राइब करने जा रहा हूं। फ्रांस वाज अ यंग चाइल्ड। फ्रांस जो इस कहानी का नरेटर है, सूत्रधार है, एक छोटा सा बच्चा है। ही डिड नॉट लाइक टू अटेंड द क्लास ऑफ मिस्टर हैमिल हु टॉट फ्रेंच। वो मिस्टर हैमिल के क्लास कभी अच्छे ढंग से अटेंड करता ही नहीं था, उसे मज़ा नहीं आता था, पता नहीं क्यों। या तो उसे उस लैंग्वेज समझने में दिक्कत आती थी, या फिर वो मिस्टर हैमिल की टीचिंग मेथड से इंस्पायर नहीं था या इंटरेस्ट नहीं ले रहा था, तो उसे उस क्लास में कभी मज़ा नहीं आया। वन डे When he was coming to the school, एक दिन जब वो स्कूल आ रहा था, ऑब्वियसली ये कहानी का जो वही दिन है जिसके बारे में ये कहानी है, समरी है, तो जब वो आ रहा था, he came to know, उसे पता चला that कि it was the last class of French language, ये फ्रांस की जो लैंग्वेज है, मदर टंग फ्रेंच का, ये आखिरी दिन है उस कॉलेज में, उसे पता चला। This was because, अब यहाँ पर रीज़न भी आ गया, ऐसा क्यों हुआ? Because Persian army had defeated France. पर्शिया की आर्मी ने फ्रांस को हराया लड़ाई में। ये जो लड़ाई है फ्रांस और पर्शिया के बीच थी। पर्शिया क्या है? पोलैंड, यू नो, जर्मनी एंड कुछ पार्ट ऑस्ट्रिया के मिलकर एक आर्मी बनी जिसने फ्रांस को हराया। उस वजह से आज यहाँ पर पर्शियन आर्मी का कब्जा हो गया। ठीक है, सो इट वॉज अ न्यू ऑर्डर That since the next day, अब एक नया ऑर्डर आया, वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड लगा, वहाँ एक नया आदेश मिला जब स्कूल गया, क्या कि अगले दिन से ओनली जर्मन लैंग्वेज वुड बी टॉट, केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। इससे पहले फ्रेंच पढ़ रहे थे लोग। इस कहानी का जो बैकग्राउंड है, जो मेन इशू है, वो लैंग्वेज का है कि किस तरह जब कोई देश किसी दूसरे देश पर कब्जा करता है तो बाकी सब की तरह वहाँ की भाषा पर भी कब्जा करता है। आइए, दो शहरों का नाम यहाँ पे है, अलास्का एंड लॉरियन। फ्रांस के इन दो शहरों में कल से जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। ऑल द स्टूडेंट्स वेयर वेरी सैड, सारे बच्चे बहुत दुखी थे। एक वजह से इसलिए दुखी थे कि अब फ्रेंच पढ़ने को नहीं मिलेगी, लेकिन उससे ज़्यादा इस वजह से दुखी भी थे कि मिस्टर हैमिल, जिस टीचर ने 40 साल से इस कॉलेज में पढ़ाया और बच्चे काफ़ी अटैच रहे होंगे, बड़े इमोशनल थे उस दिन, तो उन्हें ये अच्छा नहीं लग रहा था। मिस्टर हैमिल जो टीचर हैं फ्रेंच के, वाज वेरी इमोशनल, बहुत दुखी थे, भावुक थे उस दिन। सम विलेजर्स वर देयर टू फेयरवेल देयर लविंग टीचर। इवन गाँव के कुछ लोग, सभ्य लोग, भद्र लोग, जेंटलमैन, उन्हें फेयरवेल कहने भी आए, विदा देने आए, क्योंकि उनका बहुत ही प्यारा टीचर जिसने वहाँ 40 साल से पढ़ाया, तो उसको फेयरवेल करने आए हैं। ठीक है, तो इमोशनल नोट भी है यहाँ पर। फ्रांस वाज आल्सो वेरी मच शॉक्ड। अब जो कहानी का मेन कैरेक्टर है फ्रांस, जो इससे पहले क्लास को अटेंड करता नहीं था, उससे कभी मज़ा नहीं आता था फ्रेंच में, आज उसे धक्का लगा। क्यों लगा? बिकॉज ही थॉट, उसे लगा दैट ही मस्ट हैड लर्नड फ्रेंच बेटर देन ही डिड, कि जितनी कोशिश से या मेहनत से या इंटरेस्ट से इससे पहले इसने जो फ्रेंच लैंग्वेज के क्लास अटेंड किए थे, काश वो और अच्छे से कर पाता, क्योंकि अब मिस्टर हैमिल कभी नहीं मिलेंगे उन्हें। ठीक है, लास्ट लाइन है, दस द स्टोरी एंडेड एट अ वेरी इमोशनल नोट। इस तरह कहानी एक बड़े ही एक इमोशनल नोट पर जाकर ख़त्म होती है और एक मैसेज देती है
कि जब भी कोई टीचर अपना पूरा करियर ख़त्म कर रहा होता है तो उस दिन वो बड़ा इमोशनल होता है, बच्चे उससे बड़े अटैच होते हैं। दूसरा, जब कोई देश किसी देश पर कब्जा करता है, जिस कहानी का एसेंस है, मेन थॉट है, सेंट्रल थॉट है, तो वहाँ की भाषा पर भी कब्जा करता है, और ये सबसे बड़ी हार होती है उस देश की। और ये सबसे बड़ा एक इमोशनल एक वैक्यूम होता है लोगों के अंदर कि अब वो अपनी मदर टंग को मिस करेंगे। सो डियर फ्रेंड्स, कैसा लगा वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अब तक अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर, लव यू।